आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप कॉलर कुर्ती बनाना और इसी बनाना मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी जिससे आप बड़ी आसानी से कॉलर कुर्ती बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीटर कपड़ा। आप इस कपड़े को फैला लेंगे। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कपड़े को हमने अर्ध की साइड से फैला कर रख लिया है। अब इस कपड़े को हम डबल में फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह आपको कपड़े को डबल में फोल्ड करना है और जॉइंट वाली साइड को अपने साइड रखना है। तो निशान लगाने से पहले मैं आपको कपड़े के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि जैसे कपड़े का पैटर्न होता है वैसे ही कपड़े को फोल्ड किया जाता है। अगर पैटर्न लंबाई की साइड होता है तो आपको कपड़े को लंबाई की साइड से फोल्ड करना है, और अगर पैटर्न नॉर्मल ही है तो आप अर्ध की साइड से भी पलट कर रख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे अर्ध की साइड से रखा है। तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है लंबाई का। जितनी कुर्ती आपको लंबी पसंद है उसके हिसाब से आप निशान लगाइए। यहाँ पे हमने आधा इंच छोड़ दिया है और इस तरह निशान लगा दिया, जैसे कि मुझे इसकी लंबाई रखना है 41 इंच। तो ये हो गया 41 इंच और 1.5 इंच इसमें हो जाएगा नीचे का मार्जिन। तो इसकी हमने पूरी ही लंबाई को ले लिया और ऊपर की साइड ये आधा इंच छोड़ दिया है मार्जिन का। अब जो भी लंबाई वाले निशान होते हैं उसको लगा लेना है। इसी तरह आपको इंची टेप रखना है और लंबाई के निशानों को लगाते जाना है। जैसे पहला निशान लगाएंगे हम आर्म होल का, तो ये हो गया 7.25 पर आर्म होल का। दूसरा लगाएंगे ऊपर से कमर की लंबाई का, तो ये निशान लगा दिए हमने 15 इंच पर। अब तीसरा निशान लगाएंगे हिप साइज का, जहाँ से चाप खुलेंगे, तो ये निशान लगा दिए हमने 22 इंच पर। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। इस तरह आपको लंबाई वाले निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर निशान रखना है आपको फुल शोल्डर का। जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ रखिए, क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती में हमेशा फुल शोल्डर यूज किया जाता है। तो जैसे कि इसका फुल शोल्डर है 15 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे हम 7.5 इंच और आधा इंच लेंगे इसमें सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को सीधा करेंगे। तो ये निशान लगा दिया हमने आर्म होल का। तो आर्म होल के निशान को सीधा करने के बाद अब यहाँ पे आपको सीना का चौथाई भाग रखना है। अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो उसमें आधा इंच की लूजिंग मिलाना है, जैसे कि मैं बना रही हूँ इसको 38 की साइज का, ठीक है। तो ये 38 का चौथाई भाग हो गया है 9.5 इंच और आधा इंच इसमें लूजिंग मिला देंगे तो ये निशान आएगा 10 इंच पर। और अगर आपने सूट से नाप लिया है तो सूट से जो भी नाप आता है उसका चौथाई भाग ही आपको रखना है, उसमें लूजिंग नहीं मिलाई जाती है। तो ये निशान लगा दिए हमने सीना का चौथाई भाग का, और यहाँ पे निशान लगाएंगे हम कमर का चौथाई भाग। तो जैसे कि इसमें कमर की साइज है 34 इंच, 34 का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच, इसमें आधा इंच की लूजिंग मिला देंगे। तो ये निशान लगा दिए 9 इंच पर। अब यहाँ पे निशान लगाना है हिप साइज का चौथाई भाग। हिप साइज है इसकी 40 इंच, 40 का चौथाई भाग होगा 10 इंच और आधा इंच की यहाँ पे लूजिंग मिला देंगे। तो ये निशान आएगा 10.5 इंच पर। अब इस निशान को यहाँ पे सीधा करना है, इस तरह आपको मिलाना है। अब आपको यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। आप 1.5 से 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। आप चाहें तो इंची टेप से भी नाप कर चेक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। इस तरह आपको निशान बनाना है। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है आर्म होल में। जब फुल शोल्डर यूज होता है तो उसमें आपको आर्म होल 1 इंच अंदर की साइड लेना है। कॉलर वाले सूट में आर्म होल को 1 इंच अंदर की साइड लिया जाता है, ठीक है। अब इस निशान को इससे मिलाना है। इस तरह आपको निशान बनाना है। अब इस निशान को बनाने के बाद अब आपको इधर से ही इसमें गुलाई देना है। तो 1 इंच के हिसाब से बस यहाँ पे गुलाई बना दीजिए। इस तरह आपको आर्म होल मिलाना है। अब आपको ध्यान इधर देना है, 1 इंच इसको डाउन करना है इस तरह। नॉर्मली कुर्ती में ये शोल्डर 2 पॉइंट का डाउन होता है, लेकिन जब कॉलर वाली कुर्ती बनती है तो इसे 1 इंच का किया जाता है।
अब आपको यहाँ पे गले की साइज रखना है। तो जैसे कि मैं इसका निशान लगा रही हूँ 3 इंच पर, तो 38-40 में आपको गले की चौड़ाई रखना है 3 इंच, और इससे अगर आप साइज कम करते हैं तो ये निशान आपको 2.5 इंच पर लगाना है। तो अब आपको गले की लंबाई का निशान लगाना है। जितनी लंबाई आपको पसंद है उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे अगर आपको 6 इंच पसंद है तो 6.5 इंच पर लगाइए, 1/2 इंच इसका ऊपर का मार्जिन रहेगा, ठीक है। इसी तरह इसका निशान लगाया जाता है। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 6.5 इंच पर, तो ये निशान लगाएंगे हम 7 इंच पर, ऊपर से 7 इंच पर ये निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, 3 इंच यहाँ रख दिया और इसका बॉक्स बना दिया। इस तरह बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद अब एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर और एक बॉक्स इसका बना दिया, जिससे यहाँ पर कॉलर बन जाएगी और यहाँ पर ये डिजाइन का लुक आ जाएगा। और इसको आपको इस तरह मिलाना है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा गुलाई नहीं देना है, बस इस तरह ले जाइए। आप चाहें तो इंची टेप से भी चेक कर सकते हैं, 1 इंच पर रखना है और फिर इसकी गुलाई देना है। उसके बाद अब एक निशान लगाना है आपको 1 इंच पर, नीचे की साइड हमने 1 इंच पर निशान लगा दिया और इसका सीधा बॉक्स बना दिया। इस तरह पहले सीधा करना है और फिर इसको इस तरह घुमा दीजिए बस। तो इसमें बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। तो बस अब आपको इसी निशान पर कटिंग करना है। नीचे के निशान को हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये मार्जिन का जो निशान है उसको सीधा कर देंगे, जिससे क्लियर दिखेगा आपको। ये है इसका मार्जिन। अब बस कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आपको आगे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट करना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिना कटिंग सीखे परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ड्राफ्टिंग से परफेक्ट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि बड़ी आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। आपको तो बस मेरे पैटर्न को उठाना है, कपड़े पर रखना है और मेरे लगाए हुए सेम निशानों पर कटिंग करना है और आपका परफेक्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की वीडियो भी दी जाती है, जिससे आपको बनाने में आसानी हो। अब आप अपने पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ। और इस पर अभी आप सभी के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, और आप इंडिया में कहीं पर भी रह के मेरे पैटर्न को ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप मंगाइए, ट्राई कीजिए। अब इसी को उठाएंगे हम और पीछे के पार्ट को निकाल लेंगे। इसे उठा के अभी हम अलग रख देंगे और बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। तो इस कपड़े को आपको डबल फोल्ड करके रखना है और जॉइंट वाली साइड अपने साइड रखना है। आगे के पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर मिलाते हुए सेट करना है। अच्छे से इसको मिलाकर रखिए। और आपको पीछे के पार्ट में ध्यान देना है कि आगे के पार्ट से 1 इंच की लंबाई इसकी ज्यादा रहेगी। तो इस तरह हम इसको नीचे की साइड ले लेंगे। और नीचे इसका जो भी पीछे के पार्ट में कपड़ा कम होगा उसमें हम 1 इंच की पट्टी को ज्वाइंट करके इसकी लंबाई को पूरा कर देंगे। अब आपको ध्यान देना है कि पीछे के पार्ट में कितना चेंज करना है। यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर निशान लगाना है इस तरह, और इधर से 1 इंच, इस तरह आपको निशान बनाते जाना है, और इधर आपको बिल्कुल बराबर से मिलाना है इस तरह। आर्म होल को बिल्कुल बराबर से मिलाइए और इधर आपको धीरे हाथों बढ़ाते हुए आर्म होल को इस तरह ले जाना है। आगे के पार्ट से पीछे की आर्म होल को 1/2 इंच बढ़ाकर रखना है, इस तरह बढ़ा दीजिए। और यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए, गले में 1 इंच पर ही आपको निशान लगाना है, और इस निशान को ज्यादा गहराई से नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी कॉलर पीछे की साइड को जाएगी, ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा गहराई नहीं दी जाती। तो अब आप समझ गए होंगे कि पीछे के पार्ट में बस आपको इधर ही चेंज करना है और बाकी का नीचे की साइड सेम रहेगा। अब आपको इस निशान को सेम बनाते जाना है और बस मिलाते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे।
इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है और यहाँ पर कट लगा देना है, जिससे आपको याद रहेगा कि इधर से ही आपको चाप खोलना है। तो इस तरह आपको कट लगाना है जिससे आपको याद रहेगा कि फिटिंग की सिलाई हमारी इधर से ही चलेगी। अब आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई, तो इसे उठा के अभी हम अलग रख देंगे और बचे हुए कपड़े से आस्तीन निकालेंगे। इस कपड़े को हमने डबल में रख दिया। डबल में रखने के बाद अब इस कपड़े को सीधा करेंगे। सबसे पहले आपको कपड़ा सीधा करना है। अब इसको बीच से पकड़ेंगे और डबल फोल्ड एक बार फिर कर देंगे। तो ये कपड़ा हो गया है चार लेयर में। अब इसको काट के निकाल देंगे। एक इंच का आपको नीचे की साइड मार्जिन लेना है और आस्तीन की जो भी लंबाई है उसका निशान लगाना है। जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 15 इंच। ये हो गया फिक्स 15 इंच और आधा इंच ले लेंगे ऊपर की साइड मार्जिन। अब इस निशान को भी सीधा करना है। इस तरह सीधा कर दिया। उसके बाद ऊपर के निशान से हम दूसरा निशान लगाएंगे 3 इंच पर और इस निशान को सीधा कर देंगे। अब आपको नीचे की साइड निशान लगाना है मोहरी का। जो भी मोहरी की साइज होती है उसका हाफ रखिए। जैसे कि इसकी साइज है 11 इंच, 11 का हाफ रखेंगे 5.5 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है आस्तीन की गुलाई का। जो भी साइज होती है उसका आपको हाफ रखना है, या फिर आप चाहें तो आर्म होल को चेक करके भी आस्तीन को निकाल सकते हो, जिससे आपकी आस्तीन कभी भी छोटी नहीं पड़ेगी। तो ये निशान लगा दिया हमने 9 इंच पर। अब इस तरह इसको मिला देंगे। यहाँ पे आपको कम से कम 2.5 इंच छोड़ना है। इस तरह यहाँ पर थोड़ा छोड़िए, फिर यहाँ से आपको गुलाई ले जाना है। इस तरह अब इस निशान को इससे मिलाना है। पहले मोहरी के निशान से मिलाएंगे और यहाँ पर मार्जिन बढ़ा देंगे। इसी निशान पे हम कटिंग करेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद आपको दो पार्ट पकड़ना है और इसको खोल कर रखना है। उसके बाद अब आपको एक साइड इसमें गुलाई देना है। इस तरह तो ये गुलाई आपको 1.25 इंच की देना है और यहाँ पे मिला देना है। इस तरह आपको गुलाई की कटिंग करना है। आस्तीन की कटिंग करने के बाद अब हम निकालेंगे कॉलर। अब आपको लेना है 3 इंच चौड़ी एक बकरम की पट्टी। इस तरह आप बकरम की पट्टी ले लीजिए। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ, ये है 3 इंच की, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि जितनी आपकी कॉलर की लंबाई है उससे आपको 1 इंच इसको बढ़ा कर रखना है। जैसे कि मुझे कॉलर तैयार करना है 16 इंच की, तो इसको हमने रखा है 17 इंच। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे। इसको डबल में कर दिया। अब आपको क्या करना है कि जितने साइज से आपने गले की कटिंग की है उधर आपको एक निशान बनाना है। यहाँ पे हमने एक निशान बना दिया 3 इंच पर। अब इधर से ही आपको गुलाई देते हुए दूसरे कॉर्नर से मिलाना है। इस तरह मिला दीजिए। अब यहाँ पे आपको बकरम की साइज रखना है कॉलर के लिए 1.25 इंच। 1 इंच से आप 1.25 इंच तक रखिए। इससे अगर आप ज़्यादा कॉलर की साइज रखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए इसकी साइज 1 इंच से 1.25 इंच तक ही रखी जाती है। अब इस तरह आपको गुलाई से निशान 1.25 इंच पे लगाते जाना है। इस तरह आपको निशान मिलाना है और फिर एक बार नाप कर चेक करना है। जैसे कि मुझे चाहिए 16 इंच की कॉलर, तो इस तरह हम चेक करेंगे। ये हो गया 16 इंच, 8 का डबल 16। तो इस तरह हमने निशान बना दिया। अब इसमें इस तरह आपको निशान बनाते हुए गुलाई से घुमा देना है। बस अब आपको इसी निशान पर कटिंग करना है और आपकी बड़ी आसानी से कॉलर की कटिंग हो जाएगी। इस तरह आपको कॉलर को काट कर निकालना है। अब इस बचे हुए कपड़े से हम कॉलर के लिए कपड़ा निकाल लेंगे।
इसको उठाएंगे और डबल में फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इसको रखेंगे। यहाँ पे आपको आधा आधा इंच कपड़ा दोनों साइड से बढ़ाकर लेना है। इस तरह बढ़ाते जाइए और निशान लगाते जाइए। इस तरह आपको निशान बनाना है और इसी निशान पर कटिंग करना है। इस तरह कॉलर कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको पूरी कटिंग एक बार रख कर दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी और आसानी से कॉलर कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। और अगर आप इसकी स्टिचिंग का पार्ट सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, जिससे जल्दी ही मैं आपके लिए स्टिचिंग का पार्ट अपलोड कर दूंगी। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।